concentrated popistrol alkaloids. In India, now open this sector for producing and processing the opium to the private players. Abhi tak private players ko allow nahi tha for the production related to the opium. Now they started the sabse pehle this company ko tender gaya, that's the Bajaj Health. Bajaj Health get the tender for the this type of the concentrated popistrol alkaloids. Anybody can tell the states in which the opium is grown in India? There is only two states in India, Madhya Pradesh and the Rajasthan. So this can be the important here. Only in the Madhya Pradesh and the Rajasthan, there are 22 districts jahan pe legally allowed hai production of the opium by the government of the India. Only in India, in these two states, in the 22 districts, the production of the opium is allowed. So what are the important in it? अल्केलोइड्स के बारे में देखेंगे, व्हाट इज द अल्केलोइड्स, होते क्या है, ओपियम किस एक्ट के अंडर कवर होता है, एनीबडी कैन टेल, रेगुलेशन ऑफ द ओपियम, एनडीपीएस एक्ट, ठीक है, एनी अदर एक्ट, दो एक्ट्स हैं, वन इज द एनडीपीएस एक्ट, सेकंड इज द ओपियम रेगुलेशन एक्ट. लेट्स सी, दिस इज द बजाज हेल्थ केयर बिकम द फर्स्ट कंपनी टू विन द ट्रेडर्स प्रोड्यूसिंग फॉर द कंसेंट्रेटेड पॉपी स्ट्रो. इसमें क्या होता है कि जो पॉपी फ्लावर्स होंगे, जो पॉपी सीड होता है, दैट इज डायरेक्टली हार्वेस्टेड थ्रू द मशीन्स. थ्रू द मशीन्स वो सीधा ही इंडस्ट्री में जाएगा, वहां से दे मेक लाइक स्ट्रो लाइक थिंग्स, उसको यूज करेंगे. दैट कैन बी यूज इन द मेडिकेशन पर्पज में यूज हो सकता है, एंड ऑल्सो सम अदर पर्पज. जो मेन यूज हो रहा है वो मेडिकेशन में होता है, लाइक ड्यूरिंग द कैंसर थेरेपी इसको दिया जाता है, सो दैट का जो उसका इफेक्ट है वो कम हो जाए ह्यूमन बॉडी पे. एंड ऑल्सो इन द सम ऑफ द सीवियर केसेस में ओपियम इज लाइक प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर्स टू द पेशेंट, सो दैट की दे कैन बी द लेस इफेक्ट ऑफ द टेबलेट्स, दैट इफेक्ट ऑफ सम ऑफ द अदर ड्रग्स ऑन द बॉडी ऑफ द ह्यूमन. तो उस केस में द ओपियम इज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर्स टू द पेशेंट्स. सो दो फॉर्म्स में इट कैन बी फॉर्म, लाइक द वन इज द कंसंट्रेटेड पॉपिस्ट्रो के फॉर्म में, एंड अदर इज द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इनग्रेडियंट्स, जहां पे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वी कैन यूज द ओपियम देयर, लाइक अ फार्मास्यूटिकल कफ सिरप्स में इट कैन बी यूज. सम ऑफ द कफ सिरप आर अवेलेबल इन द मार्केट विच आर नॉट डायरेक्टली गिवन टू द, लाइक आप लोग लेने जाओगे तो आपको नहीं देंगे, बिकॉज दे आर कैन नॉट गिव विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन, बिकॉज दे आर हैविंग द हाई अमाउंट ऑफ द दिस टाइप ऑफ द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इनग्रेडियंट दैट कैन, लाइक जो माइनर एज के हैं जिनको लिकर इज नॉट इजिली अवेलेबल, तो दिस इज द लाइक सम ऑफ द फैक्टर्स, दे गो टू द फार्मास्यूटिकल शॉप्स एंड आस्क फॉर द कफ सिरप देयर, तो एंड यूजिंग उसको नशे के लिए मेनली यूज करते हैं, तो उस केस में दे आर नॉट गिविंग टू द दोज पेशेंट और द दोज पर्संस, बिकॉज इट्स अ इलीगल ट्रेड. तो उस केस में इट्स नॉट द ओटीसी, ओवर द काउंटर्स बोलते हैं इनको, तो वो नहीं है, ओनली प्रिस्क्रिप्शन पे यू कैन गेट इट. So it's an entire harvest is cut by the machine, transferred to the factory for the alkaloid extractions and eliminate the diversion of the legally produced opium. Aisa kyun kiya gaya? Jo abhi states bata rahe ho, different states, Maharashtra mein bhi hai, Odisha mein bhi hai, illegally grown hai. Now it comes under the private sectors. So jo illegality hai, uspe private sector khud se control karega, because it's a monopoly of the Bajaj Healthcare. Now we can say ki Bajaj Healthcare ko pura tenders hai. So that ki jo अलग अलग स्टेट्स में कुछ कुछ जगह हो रहा है, तो द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो एक्ट ऑन इट, एंड द प्राइवेट सेक्टर कैन टेल द गवर्नमेंट कि इसको रोकना पड़ेगा, बिकॉज वी आर हैंडलिंग दिस टाइप ऑफ द सेक्टर्स इन द इंडिया. तो उस केस में इलीगैलिटी बंद हो जाएगी, एंड सो इजिली अवेलेबल इन द मार्केट नाउ थ्रू द बजाज हेल्थ केयर्स इफ यू नीड इन द सम ऑफ द जेन्युइन केसेस. तो ओपियम इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द पॉपी सीड्स एंड द डेरिवेटिव्स. तो पॉपी सीड्स इस तरीके का कुछ सीड्स होता है, इसके अलग अलग पार्ट से अलग अलग चीजें बनती हैं. जो पॉपी सीड्स हैं उससे कुछ अलग बनेगा, लीफ से कुछ अलग बनेगा, पॉपी सीड्स के कोट से कुछ अलग बनता है. तो तीनों चारों चीजों से जो उसके सब स्पेसिफिक पार्ट्स हैं वहां से अलग अलग तरीके की चीजें बनेगी. अल्केलोइड्स ऑब्टेन फ्रॉम द ओपियम्स आर यूज्ड टू मेक कफ सिरप्स, कैंसर मेडिसिन एंड द पेन मैनेजमेंट. जो स्पेसिफिकली यूज होता है इन ड्यूरिंग द कैंसर थेरेपी, वो पेन मैनेजमेंट के लिए द ओपियम इज यूज. सो दैट आपको कंसर्न, आपको पता नहीं लगेगा कि व्हेनेवर दे आर यूजिंग द कैंसर थेरेपी, तो उस केस में आपको अमाउंट ज्यादा दिया जाता है ओपियम का, सो दैट देयर इज लेस इफेक्ट ऑन द बॉडी. ओनली द 12 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया अलाउ इट्स कल्टीवेशन लीगली फॉर द मेडिसिनल यूज. पूरे वर्ल्ड में ओनली द 12 कंट्रीज आर देयर विच अलाउड द लीगली फॉर द ओपियम मेडिसिनल यूज. इन इंडिया दे आर ओनली द 2 स्टेट्स, इन द वर्ल्ड ओनली देयर आर 12 कंट्रीज. ओपियम प्रोडक्शन इन इंडिया. During the British times, opium से related बहुत सारे issues हुए थे. In the 1873, it's completely brought under the British government. So 1873 में completely opium, Mughals empire was on the decline.
and the entire trade was brought under the government control by the 1873 during the British times. And after the post-independence, this covered under the Opium Act of 1857, then the Opium Act of 1878, and the Dangerous Drugs Act of the 1930. And now it's controlled under the Narcotic Drugs and the Psychotropic Substance Act and the rules. So this is the major act under which the opium is covered or controlled in India. Narcotic drugs and the psychotropic substance. So three facts are very important. India mein kahan pe hota hai, usage kya hai, under which act it's controlled by the government of India. So strict regulations hai, illicit trade risk hai, addictions hai, and like the 22 districts in the state of the Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, sorry, in three district states we can say Uttar Pradesh and the Rajasthan. Yahan pe hi available hai. Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and the Rajasthan, these are the three states in India where the production of the opium is allowed. Licensing kis basis pe karte hai? Minimum qualifying yields hoti hai ki aapko itni zameen pe minimum itna amount grow hona chahiye, jo productions hai. Minimum this production is allowed there. Maximum area that can be cultivated by a single cultivator. This is like, we can say ki ye 2 acre hai, similar amount of like they will say ki 200 kg of opium should be produced from this area. इसमें से 2 acre में से दे आर अलॉटिंग 1 acre टू अ सिंगल पर्सन कि आपको इतना ही जमीन मिलेगा, इससे एक्स्ट्रा पे आप नहीं उगा सकते हैं ओपियम्स को. एंड द मैक्सिमम बेनिफिट इज अलाउड टू कल्टीवेटर फॉर डैमेज टू द क्रॉप ड्यू टू द नेचुरल कॉजेस. अगर किसी नेचुरल डाइजेस्टर्स की वजह से हो जाता है तो गवर्नमेंट विल पे द लाइक अदर स्कीम्स में प्रधानमंत्री योजना है उसके अकॉर्डिंग दे विल पे टू द ओपियम फार्मर्स ऑल्सो. तो इसमें क्या कंडीशन, जो फार्मर्स उगाते हैं वो कहीं और नहीं बेच सकते. दिस इज कंट्रोल्ड बाय कंप्लीटली बाय द सैटेलाइट्स. तो कुछ भी ट्रेड होगा वहां से दे आर डायरेक्टली कोट बाय द लाइक द बजाज हेल्थ नाउ. इसीलिए उसका प्राइवेटाइजेशन सबसे ज्यादा जरूरी हो गया था कि जो भी इलीगल ट्रेड्स है वो पूरे इंडिया में कंट्रोल हो जाए. इट्स करंटली प्रोसेस एंटायरली गवर्नमेंट ओपियम्स एंड अल्केलॉइड फैक्ट्रीज इन उत्तर प्रदेश गाजीपुर एंड द मध्य प्रदेश नीमूच रीजन में. इनकी 2 फैक्ट्रीज हैं जहां के थ्रू ये कंट्रोल होते हैं. तो दीज आर द सम ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स, मोर्फिन, स्ट्राइचनिन, एफेड्रीन्स वर रिसेंटली मेंशन इन द न्यूज. It is related to alkaloids, organochlorine compounds, plant hormones and the curcuminoids. So, इस तरीके का question frame हो सकता है. These all are the alkaloids के part हैं. इसमें से कुछ एक मिलते हैं आपके opiums में भी. तो morphine, strychnine, ephedrines, these are the type of the alkaloids. So, this type of the question can be framed. As a simple, maybe they will not ask about the X, they will not ask about the कहाँ कहाँ पे होता है. They will simply give the three names here. कि this is related to which category. तो यू शुड बी रिमेंबर कि दीज आर रिलेटिंग टू द अल्केलॉइड्स क्लास. तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो मेनली स्पेसिफिक फोकस होना चाहिए. व्हेन एवर वी आर रीडिंग अ टॉपिक वी शुड नो कि किस तरीके का क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो सकता है. सो वी कैन बी फोकस ऑन ओनली ऑन द दोज एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अदर एक आइडिया हमें है टॉपिक्स का क्या चल रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उसमें क्या चीज हमें पढ़नी है, दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट देयर. तो अल्केलॉइड्स के बारे में देख लेते हैं. दीज आर द and class of the naturally occurring organic nitrogen containing bases and have a diverse and the important psychological effects on the humans and the other animals. Well known alkaloids include morphines, strychnine, quinine, ephedrine and the nicotines. These are the type of the alkaloids, specifically type of the alkaloids are primarily in the plants and are especially common in the certain family of the flowering plants. Main ko milta hai alkaloids bahut sare medicinal plants hai. जहां पे अल्केलॉइड्स प्रेजेंट होता है तो उनका एक्सट्रैक्ट किया जाता है थ्रू द प्लांट. देयर आर डिफरेंट टेक्नोलॉजी फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द अल्केलॉइड्स स्पेसिफिकली यूज इन द कैंसर कफ सिरप्स एंड द कैंसर मेडिकेशंस में एंड द पेन मैनेजमेंट मेडिकेशंस में अल्केलॉइड्स का यूज किया जाता है.